आलू तो हमारे सबके घरों में बहुत बनते हैं, पर आज मैं आपके लिए लाई हूँ तंदूरी आलू बनाने की ऐसी रेसिपी जो आपके घर वाले ना उंगलियाँ चाट चाट कर खाएंगे। तो चलिए मेरे साथ और देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। इसके लिए मैंने यहाँ करीब 18 छोटे साइज़ के आलू लिए हैं और इनको मैंने बॉईल कर लिया था। और बस अब हम एक टूथपिक लेंगे और इनमें इस तरह से छेद कर लेंगे। तो अगर छोटे वाले आलू नहीं है तो आप मीडियम साइज़ के आलू ले लें और उबालने के बाद उनको 2 से 3 टुकड़ों में डिवाइड कर लें। तो बस हम इसी तरह से सारे आलू में होल कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने सारे आलू तैयार कर लिए हैं। तो चलते हैं आगे के प्रोसेस की तरफ। और अब मैंने यहाँ पर एक पैन गरम किया है, इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा ऑयल और हमने ये जो आलू छेद करके रखे थे हम ये सब इसमें डाल देंगे। इनके ऊपर हम स्प्रिंकल कर देंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, इससे क्या होगा बहुत ही बढ़िया कलर आएगा, और थोड़ा सी एकदम लाल मिर्ची। और बस इन चीज़ों को हम अच्छे से मिला देंगे और आलू को हम 3 से 4 मिनट तक तेज़ आंच पे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ आप ये मत सोचिएगा कि मैं दम आलू बना रही हूँ, तो ये दम आलू जैसे बिल्कुल नहीं लगते खाने में, तो आपको एक बार ट्राई करना पड़ेगा तभी आपको इसका टेस्ट का पता चलेगा। आलू जब तक फ्राई हो रहे हैं हम बनाएंगे तंदूरी मसाला। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 टेबल स्पून खड़ा धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 लौंग, 4 से 5 काली मिर्चें, 2 सूखी लाल मिर्च, और इन मिर्चियों के मैंने बीजे निकाल दिए हैं क्योंकि हमें बहुत तीखा नहीं बनाना है मसाला। इसमें डालेंगे 1 बड़ी इलायची, 1 बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, 2 छोटी इलायची, और इनको पीस के हम इनका दम पाउडर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए इन सभी मसालों को मैंने पीस लिया है और इसका एक दरदरा सा पाउडर तैयार कर लिया है, तो हम इनको साइड में रख लेंगे। तो ये देखिए आलू को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है, बस इस स्टेज पर हम इनको निकाल लेंगे। तो ये देखिए सारे आलू मैंने एक बोल में निकाल लिए हैं और अब उसी पैन में मैंने थोड़ा सा तेल और डाल दिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी और साथ में मैं डाल रही हूँ काफ़ी सारा हरा धनिया। इनको हम हल्का सा सौते कर लेंगे। तो कसूरी मेथी और हरा धनिया जब आप साथ में डाल के स्टार्टिंग में भूनते हैं ना, तो उससे ग्रेवी का टेस्ट ना बहुत ही अलग आता है। और अब हम इसमें डाल देंगे करीब 1 टेबल स्पून भर के जिंजर और गार्लिक। तो मतलब मैंने तो सिर्फ इसको घिस लिया है, आप चाहो तो पीस के भी डाल सकते हो, और इसको भी हल्का सा हमें भूनना है। तो ये देखिए अदरक और लहसुन बहुत अच्छे से भुन गया है। इस टाइम हम डालेंगे प्याज। तो मैंने 2 प्याज लिए थे और इनको एकदम बारीक काट लिया है, आप देख सकते हैं ना कितना महीन महीन काटा है। और बस प्याज डाल के हमें अच्छे से भून लेना है। तो ये देखिए प्याज को मैंने बहुत अच्छे से भून लिया है और आप देख सकते हैं इसका कलर भी बदल गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो ये है तंदूरी मसाला जो हमने बनाया था, उसको हम डाल देंगे। तो पिसने के बाद करीब 1 टेबल स्पून हो गया है, इसमें डाल देंगे करीब 1 चम्मच किचन किंग मसाला, साथ में डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए, और 1/2 चम्मच डालेंगे हम गरम मसाला। और इन सभी चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से प्याज के साथ मिक्स कर लेना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि ये रेसिपी बहुत ही डिफरेंट बनती है और बहुत टेस्टी, और ये दम आलू जैसी खाने में बिल्कुल भी नहीं लगती है। तो आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा इसे। तो ये देखिए मैंने मसालों को प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो बहुत ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है, नहीं तो क्या होगा हमारा मसाला ना जल सकता है। और अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ टोमेटो प्यूरी। तो यहाँ पर मैंने 2 टमाटर पीस के इनकी प्यूरी तैयार कर ली है और इसको डाल के हम मसाले में अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखिए टमाटरों को मैंने बहुत अच्छे से भून लिया है और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप दही और इसको जल्दी से चलाएँगे। तो ये दही ना खट्टा नहीं है और ये काफ़ी थिक दही है, तो इसी तरह का आपको डालना है। और बस इसको हम जल्दी जल्दी चलाते जाएंगे जिससे कि दही जो है ग्रेवी में जाके फटे नहीं और अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए हमारा मसाला बहुत बढ़िया तरीके से भुन गया है और जो दही डाला था हमने उसने भी एकदम से ऑयल रिलीज़ कर दिया है अच्छे से। तो अब हम इसमें ये आलू डाल देंगे जो कि हमने पहले फ्राई करके रखे थे। इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। तो नमक एकदम लास्ट में डालना है, नहीं तो दही जो है वो फट सकता है। और साथ में हम डाल देंगे बिल्कुल थोड़ा सा जायफल। तो जायफल ध्यान रखिएगा एकदम थोड़ा सा डालना है, अगर ज़रा सा भी ज़्यादा हो जाएगा ना तो आपकी ग्रेवी में सिर्फ जायफल का टेस्ट और खुशबू आएगी। तो ये देखिए बस इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे करीब 2 से 3 मिनट, और अभी से इसमें ना बहुत ही बढ़िया खुशबू आ गई है। पर अभी ये तंदूरी आलू ना तंदूरी नहीं बने हैं, मतलब आधे तंदूरी बने हैं, हमने सिर्फ तंदूरी मसाला डाला है। तो इसको पूरा तंदूरी बनाने के लिए मैं कुछ करूँगी, तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा एंड तक। तो बस हमने आलूओं को मसाले के साथ थोड़ा सा भून लिया है और अब हम इसमें डाल रहे हैं पानी। तो पानी बहुत ज़्यादा नहीं डलेगा, मतलब 1/2 कप से 1 कप तक पानी डालें आप। इसको फिर से मिक्स कर दें। पैन को हम कवर कर देंगे और गैस की फ्लेम को हमें एकदम धीमे कर देना है और आलूओं को ग्रेवी के साथ हम 5 से 6 मिनट तक अच्छे से कुक होने देंगे।
तो आलूओं को अब हमें तंदूरी खुशबू देनी है। इसके लिए मैंने यहाँ पर कोयला लिया है और उसको गैस स्टोव पे रख दिया है। गैस को हम ऑन कर देंगे और कोयले को हमें जलाना है, तो मुश्किल से 4 से 5 मिनट में हमारा कोयला अच्छे से जल जाएगा और रेडिश हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा कोयला जो है अच्छे से जल गया है। तो हम क्या करेंगे, इसको उठा के एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये स्टील का बोल लिया है मैंने, इसमें डाल दिया इसको। और ये देखिए हमारी सब्ज़ी भी बिल्कुल तैयार है, मैंने गैस को ऑफ़ कर दिया है। ये कोयले वाला बोल हम इसमें रख देंगे सेंटर में। इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ी सी हींग और साथ में इसमें डाल देंगे 1 चम्मच घी। और अब हम कढ़ाई को ढक देंगे और ये जितना भी धुआं इसमें आ रहा है ना, हम ग्रेवी में एब्जॉर्ब होने देंगे। करीब 10 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं जितना भी धुआं था ना, वो ग्रेवी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है। और अब आप देख सकते हो कि इसमें धुआं नहीं बचा है। तो बस हम ये कोयला जो है इसमें से हटा देंगे। और ये देखिए हमारी कितनी बढ़िया सब्ज़ी बन के तैयार हुई है। और ये तंदूरी आलू ना बहुत ही डिफरेंट लगते हैं खाने में, और आप इसको चाहे तो राइस के साथ खा सकते हो या रोटी पराठा, जिसके साथ भी मन करे ना उसके साथ खा के देखिएगा। और जो इसमें खुशबू आती है तंदूर वाली, मतलब क्योंकि हमने इसमें तंदूरी मसाला भी डाला है और हमने इसमें धुआं भी भरा है, तो इससे ना इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट और बहुत टेस्टी हो जाता है। तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो आई होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया हो। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।